हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश आर्ट। माय चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप मैरिस्मेटिक टिश्यू कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बनाने का बहुत ही ईजी वे है फ्रेंड्स, तो बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, जो फ्रेंड्स जो कर्व होना चाहिए, मतलब कर्व मतलब डाउन टाइप से होना चाहिए, लाइन स्लैंड होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब स्ट्रेट से थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। एक साइड से पैरेलल इसी तरह बनाना है हमें, वो भी इसी की तरह मतलब इसी के साइड में झुका हुआ होना चाहिए थोड़ा सा। फिर दोनों ऐड होने के बाद फ्रेंड्स, तो हमें ऊपर से उसे जोड़ देना था आराम से एकदम, जैसे नहीं होता है जैसे ताजमहल का बना होता है ऊपर साइड में गुंबद, उसी तरह बना लेना है, सेम शेप में बना लेना फ्रेंड्स। बस मैच कर देना दोनों को अच्छा से। और फ्रेंड्स, इसे बनाने का बहुत ईजी है फ्रेंड्स, और ये एग्ज़ाम में आपका जरूर आएगा, 9th क्लास का, 10th में भी आ सकता है, नहीं पता, लेकिन 9th में आता है फ्रेंड्स। मैंने मेरे एग्ज़ाम्स में आए थे फाइनल्स पे, तो आपका भी आ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ एरियाज़ को थोड़ा डार्क कर लेना है, उसके बाद फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको इरेज करना पड़ेगा, और वो कुछ एरियाज होकर जिससे निकलेंगे थोड़े से मतलब क्या है पता नहीं, जो निकलता है मतलब उसके बारे में मुझे वैसे ना पता है। तो फ्रेंड्स, आपको चेक करना है कहाँ कहाँ से। तो फ्रेंड्स, ऊपर साइड एक बना लेना है थोड़ा सा, उसको बनेंगे एपिकल मेरिस्टम। तो फ्रेंड्स, वो सबसे टॉप पार्ट होता है इसे, उसको एपिकल बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें थोड़ा अभी डार्क नहीं करना, सबसे लास्ट में डार्क करेंगे जब हम सारे पोर्शन को एक एक करके ऑब्जर्व कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देख लेना कहाँ कहाँ हमें इरेज करना है, तो थोड़ा मतलब मेजरमेंट कर लेंगे अपना। इसके फ्रेंड्स, हमें इरेजर लेकर उस जगह को हमें इरेज कर लेना अच्छे से, एकदम एकदम पूरा क्लैरिटी होना चाहिए उसमें। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोग के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स, मेरे मतलब व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे भाई लोग, क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। और फ्रेंड्स यार, इतने सारे सब्सक्राइबर है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, व्यूज़ 40-30 आते क्या पता, कुछ यार कॉन्टेक्ट करना है तो बताओ यार मेरे को, यूट्यूब ट्विट इंडिया से कराओ यार। और भाई लोग, उसके बाद फिर कर लेना आपको बना लेना, तो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब वो साइड साइड से जहाँ जहाँ मेरे किए, तो वहाँ से हमें निकाल लेना है, स्टेम टाइप का निकलेगा, ट्रंक से ऐसे ट्रंक होता है, उसके से स्टेम निकलते, उसी तरह इसको सेम से बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों साइड बनाने पड़ेंगे दो दो। तो फ्रेंड्स, हमें फटाफट से ड्रॉ कर लेना है, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं देना है सबको। मैं फ्रेंड्स, ये रियल टाइम वीडियो, ज़्यादा स्पीड मैंने नहीं किया, स्पीड है ही नहीं भाई लोग, ये सब मतलब रियल टाइम वीडियो यार, आप भी बना लो मेरे साथ तो अच्छा होगा आप लोग के लिए। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस कर लेगा 3-4 बार। मेरे बात इसकी जो होती है ना, हमें जो जब इसे लेवल करते तब हमारा इशू होता है, क्योंकि जब हम लेवल करते समय पता नहीं चलता क्या लिखना है, मेरिस्टम लिखना है या फिर टिशू लिखना है, क्योंकि टिशू का ही आता है, एपिकल टिशू है, तो मतलब टिशू बोल सकते नहीं लेकिन मैथमेटिक टिशू नाम है इसका ओरिजिनली। तो फ्रेंड्स, हमें टिशू नहीं लिखना है, इसके अंदर मेरिस्टम लिखना है, वो बहुत सारे आदमी कन्फ्यूजन होता है। और फ्रेंड्स, जैसे हमें मेन मेन पोर्शन को हमें हाईलाइट कर लेना है, यहाँ पर कहाँ कहाँ हमें डार्क करना है, अच्छा हमें थोड़ा नीचे भी कर लेना है, मतलब मेजर कर करके। फ्रेंड्स, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ ड्रॉ कर लेना है, जो पार्ट्स हैं जहाँ हमें डार्क डार्क करना है फ्रेंड्स, इस पार्ट्स को पूरा डार्क कर देना है। और मतलब फ्रेंड्स, मैं एज द बुक में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो नहीं देखे, मैं बुक से डायरेक्ट आपको यहाँ पे मतलब सीरीज निकाल के बता रहा हूँ कि, और मैंने वहीं से पढ़ा फ्रेंड्स, और मैंने वहीं से प्रैक्टिस किया फ्रेंड्स, उसी बेसिस पर आपको कर लेना फ्रेंड्स। और जब हम 3 लाइन लगातार ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हमें उसके पैरेलल पे 2 बनाने हैं, और फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा डार्क बनाना है उसे, ताकि वो मतलब अलग तरीके होगा फ्रेंड, इसे ध्यान से बनाना है हमें। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, पूरी तरह से पूरे को डार्क कर लेना, ताकि पता चले कहाँ पर कहाँ पोर्शन है। और फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद हमें टाइम नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इसे 5 से 6 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बनाने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स बिना प्रैक्टिस के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, पहली बात है, आपको प्रैक्टिस तो करनी होंगे इसके लिए फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में 5 या 3 मार्क्स का आता है, और इसका फ्रेंड्स आपका इसका प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप बोलोगे तो मैं एडुकेशन के बारे में बता दूंगा, और फ्रेंड्स जो जो क्लास में पढ़ के आया उसके बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि आगे के तो नहीं बता पाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको। और फ्रेंड्स, वो सब भी आता है इसका मतलब, जैसे इसके प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेगी, या फिर इसके जो क्राइटेरिया बताने पड़ते हैं इसमें, तो फ्रेंड्स बताना ही पड़ेगा इसको, मतलब डिफाइन करना पड़ता है इसके पार्ट्स को। तो फ्रेंड्स, वो आता है क्योंकि 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का डायग्राम होता है, और 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होता है। तो फ्रेंड्स आएगा, अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करवा दूँगा फ्रेंड्स, या फिर मैं कैसे पढ़ूंगा यार, तब ना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास डायग्राम साथ है फ्रेंड्स, मैं डार्क कर लेना पूरी, जब पूरा डार्क कर देना तीनों एरियाज को अच्छे से एकदम, और मतलब तीनों को डार्क कर लेना जल्दी जल्दी फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला का नाम एपिकल है, दूसरा का इंटर कैलरी, और नीचे लेटरल। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आप, मैं लास्ट में इसको लेवल करके भी दिखा दूँगा आपको। तो फ्रेंड्स सबको बता देता हूँ, क्योंकि यार आपको काम आएगा यार लेवल करने टाइम। और फ्रेंड्स, हर चीज़ का आगे मेरिस्टम लगाएगा पीछे, उसके बाद जैसे एपिकल मेरिस्टम, उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टम, उसके बाद लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि मतलब इसमें टिशू नहीं आता, टिशू तो पूरे को बोलते हैं हम लोग।
फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएगा आपको डायग्राम कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका था, हम इसे तुरंत फटाफट लेवल कर देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो यार।